कल सुबह 5 बजे इस बार इस हफ्ते का जो लॉकडाउन है वो ख़त्म होगा। कल 5 बजे के बाद से सारी एक्टिविटीज़ अलाउड हैं। कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ जो जिस पे बिल्कुल मनाही है वो कौन कौन सी हैं? सारे स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, सोशल पॉलिटिकल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट एकेडमिक कल्चरल रिलीजियस फेस्टिवल इससे रिलेटेड जितनी गैदरिंग्स हैं कोई भी गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, स्टेडियम बंद रहेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, सिनेमा थिएटर मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे, एंटरटेनमेंट पार्क्स एम्यूजमेंट पार्क्स वाटर पार्क्स बंद रहेंगे, बैंकट हॉल्स ऑडिटोरियम्स असेंबली हॉल्स बंद रहेंगे, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस स्पाज जिमनेजियम योगा इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे और पब्लिक पार्क्स और गार्डन्स बंद रहेंगे। जो एक्टिविटीज़ पार्टली अलाउड हैं रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ हैं वो ये हैं: सरकारी दफ्तर ग्रुप ए ऑफिसर्स 100% अटेंडेंस और बाकी सबकी 50% अटेंडेंस। लेकिन जो एसेंशियल एक्टिविटीज़ है जैसे अस्पताल हैं पुलिस है ये वो सब 100% वो पूरी तरह से चालू रहेंगी। प्राइवेट ऑफिसर्स जितने हैं वो 50% कैपेसिटी पे काम करेंगे, 9 बजे से 5 बजे तक काम करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम की। जितने मार्केट्स हैं मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं मॉल्स हैं वो अब पिछले हफ्ते ऑड इवन था, आज कल से पूरी तरह से सारी दुकानें खुल सकती हैं लेकिन 10 बजे से 8 बजे तक शाम को। और जो रेस्टोरेंट हैं वो 50% सीटिंग कैपेसिटी पे काम करेंगे। हफ्ते में जो वीकली मार्केट्स है वो अलाउ की जा रही है लेकिन एक जोन में एक दिन में एक ही वीकली मार्केट अलाउ की जाएगी। अगर शादियाँ होनी हैं तो 20 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे और घर पे या कोर्ट में ही हो सकती है। फ्यूनरल लास्ट राइट्स में 20 से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति नहीं हो सकती। दिल्ली मेट्रो में 50% कैपेसिटी, दिल्ली की बसों में 50% कैपेसिटी, ऑटो और ई रिक्शा में 2 पैसेंजर्स, टैक्सीज में 2 पैसेंजर्स। रिलीजियस प्लेसेस खोले जा रहे हैं पर विजिटर्स अभी फ़िलहाल अलाउड नहीं होंगे। बहुत बड़ी त्रासदी है और हमें सबको मिलके इसका मुकाबला भी करना है और उम्मीद भी करनी है कि अब कोरोना के केसेस ना बढ़ें, भगवान करे कि तीसरी वेव ना आए।